हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स डबल बॉन्ड इक्लेंट्स आर ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ अन सेचुरेशन डी यू बोलते हैं उसे शॉर्ट में और हाइड्रोजन डेफिशेंसी इंडेक्स नाउ व्हाट आर डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सपोज वी हैव दिस कंपाउंड ये हमारे पास कंपाउंड है प्रोपीन है हम इसे सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करना चाहते हैं अभी अन हाइड्रोकार्बन है वन पाई बॉन्ड इज देयर सो हाइड्रोजन से जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा एंड वन मोल हाइड्रोजन ऐड करने पे, इट विल चेंज टू सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन सो सेचूरेटिड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हमें प्रोपीन में कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा वन मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा टू कन्वर्ट इट इंटू सैचूरेटेड हाइड्रोकार्बन एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास ये है साइक्लोप्रोपेन अब साइक्लोप्रोपेन को हमने ओपन चेन कंपाउंड में चेंज करना है सेचूरेटेड तो है ही सारे सिंगल बाउंड ऑलरेडी भी इसमें हैं और ओपन करने के बाद भी हैं तो ओपन करने के लिए हमें एक बाउंड ब्रेक करना पड़ेगा एक बाउंड ब्रेक करना पड़ेगा और इसमें वन मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा इसको आप स्ट्रक्चर को ओपन करके देख सकते हो जैसे यहाँ पे सी एच टू है सी एच टू है एंड सी एच टू है अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी एच टू सो so, आपको इसमें भी वन मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा ये जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक एक एच और इनको और देना पड़ेगा तभी ये ओपन चेन बन पाएगा तो इसमें भी आपको वन मोल देना पड़ा नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं उससे और समझ आएगा तो देखो आइडिया बनने लग गया डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स और डी और एच क्या चीज़ है कि हमको कितने मोल देने पड़ते हैं किसके हाइड्रोजन के कितने मोल हाइड्रोजन हमको कंपाउंड में ऐड करना पड़ता है टू कन्वर्ट इट इनटू सेचूरेटिड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इस चीज में कन्वर्ट करना है ओपन चेन होना चाहिए और सैचूरेटिड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए अब जैसे इनमें एक मोल एक मोल ऐड किया है हमने हाइड्रोजन का तो इन केसेस में डबल बॉन्ड इक्वलेंट वन होगा लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेके देखते हैं हम ले लेते हैं प्रोपाइन मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास ये चीज आ गई इसको इसमें कितने हम मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इसमें चेंज हो जाए सो देखो इसमें एक मोल ऐड करोगे तो ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा दो मोल हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे तो इसमें डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स क्या हो गया टू सो so, डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स या डी यू या हाइड्रोजन डेफिशेंसी इंडेक्स क्या होता है दे आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच हैव टू बी सप्लाई टू द कंपाउंड टू कन्वर्ट इट इन टू ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सो डेफिनेशन लिख लेते हैं डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स की या इनको डी यू या एच डी आई बोल देते हैं सो डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विच हैव टू बी

सो so एंड में ये चीज ध्यान रखनी है किस चीज में उसको कन्वर्ट कर देना है हमने एक तो ओपन चेन होना चाहिए कि साइक्लिक नहीं रखना साइक्लिक से उसको ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल उसमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा एंड इट मस्ट बी सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन अब डबल बाउंडिकुलर हम पढ़ क्यों रहे हैं अब क्वेश्चन करेंगे उससे पता लग जाएगा इट हेल्प्स हज टू प्रोडिक्ट दी स्ट्रक्चर्स जैसे आइसोमेरिज्म हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी अब उसकी मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स पता होने से हम स्ट्रक्चर्स कैसे इजीली बना सकते हैं क्योंकि आइसोमर्स बनाने का ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से उनको बनाते हैं बट द कंसेप्ट ऑफ डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स और डी यू हेल्प अस टू प्रोडिक्ट द स्ट्रक्चर्स लेट्स अब सपोज करो कि हमारा डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स वन आ गया जैसे हमने पीछे देखा था कि ये जो अब आप, आपने प्रोपीन लिया था प्रोपीन को प्रोपेन बनाने में या साइक्लो प्रोपेन को प्रोपेन बनाने में इन दोनों केसेस में कितने मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा था हमें इस इसमें भी वन मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा था और इसमें भी वन मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा था इसका मतलब हमने मान लो किसी तरीके से पता कर लिया कि डबल बॉन्ड इक्वलेंट वन है तो डबल बॉन्ड इक्वलेंट वन होने से क्या पता चलता है कि या तो कंपाउंड में वन पाई बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड होगा तो एक मोल आपका हाइड्रोजन यूज होगा या कंपाउंड में एक रिंग प्रेजेंट है क्योंकि एक रिंग को ब्रेक करने के लिए आपको एक मोल हाइड्रोजन देना पड़ता है ऐसे ही सपोज करो कि डबल बॉन्ड इक्लेंट दो आ रहे हैं तो उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स टू आ रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है या तो दो पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में किया प्रोपाइन में अब डबल बॉन्ड इक्लेंट्स टू आने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं ये देखते हैं डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स मान लो टू आगे इसका फॉर्मूला करेंगे कैसे आते हैं डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स टू आने से क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है कि या तो टू पाई बॉन्ड्स हों अब टू पाई बॉन्ड्स कैसे हो सकते हैं टू पाई बॉन्ड्स में या तो टू डबल बॉन्ड होंगे टू डबल बॉन्ड्स मीन्स कि आ, ऐसा कोई कंपाउंड है हमारे पास समथिंग लाइक दिस टू पाई बॉन्ड हो गए या टू पाई बॉन्ड किस में हो सकते हैं वन ट्रिपल बॉन्ड हो वन ट्रिपल बॉन्ड कैसे है? जैसे मान लो ये कंपाउंड है आपके पास इसमें अब दो मोल हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे सो डबल बॉन्ड इक्वलेंट दो आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं द कंपाउंड हैज़ टू पाई बॉन्ड्स इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टू डबल बॉन्ड्स और वन ट्रिपल बॉन्ड और इट मे हैव और क्या हो सकता है वन रिंग प्लस वन पाई बॉन्ड ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक रिंग हो और एक पाई बॉन्ड हो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है टू रिंग्स प्रेजेंट हो तो इससे हमें स्ट्रक्चर का आइडिया लगने लग जाएगा कोई कंपाउंड है उसका हमने किसी तरीके से डी बी ई डबल बॉन्ड इक्वलेंट या डी यू फाइंड कर लिया वो टू आ रहा है मान लो तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आइडिया लग सकता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होने की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कंपाउंड में टू पाई बॉन्ड्स हों हो, हो सकता है कंपाउंड में टू रिंग्स हों हो, हो सकता है एक रिंग हो और एक पाई बॉन्ड हो इस तरीके से हमें आइडिया लग सकता है ना अब हम कैलकुलेट करना देखते हैं कि डी यू को या डबल बॉन्ड इक्वलेंट को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है सो डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स को तो सब हैडिंग इसमें क्या आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स और डी यू सो कैलकुलेशन ऑफ डी यू इसमें दो पॉसिबिलिटीज आती हैं या तो हमें स्ट्रक्चर दिया होगा या हमें मोलिकुलर फॉर्मूला दिया होगा सो डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स की कैलकुलेशन में दो पॉसिबिलिटीज़ क्या आती हैं इफ़ स्ट्रक्चर इज गिवन फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है इफ़ स्ट्रक्चर इज गिवन कोई कंपाउंड है उसका मान लो हमें स्ट्रक्चर दे है तो हमें डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स या डी कैसे कैलकुलेट करना है तो उसका डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स उसके डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स का या डी यू का क्या फॉर्मूला बनता है कि कंपाउंड में, में कितने पाई बॉन्ड्स हैं या कंपाउंड्स में कितने ऐड करके रिंग्स हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स फॉर एग्जांपल अब इसके एग्जाम्पल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से तो हमें पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं अभी स्ट्रक्चर वाला केस कर रहे हैं लेट अस सपोज कि वी हैव दिस कंपाउंड। तो इसका जो डी बी है या डी यू है वो कितना होगा वन क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं वन रिंग तो कोई है नहीं तो इसका डबल बॉन्ड इक्लेंट वन होगा अनदर अदर एग्जाम्पल इज दिस ये स्ट्रक्चर दिया है इसका डी यू कितना होगा कितने पाई बॉन्ड्स हैं वन टू थ्री तो इसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट हो गया थ्री मान लो ये एग्जाम्पल है इसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट तीन तो इसमें पाई बाउंड है प्लस एक ये रिंग भी तो है वो भी कैलकुलेट करनी है तो इसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट हो जाएगा फोर एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं ये स्ट्रक्चर दे दिया और हमें इसका डी यू कैलकुलेट करना है कितनी रिंग्स हैं वन टू फाइव वन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव वन है प्लस दो रिंग्स हैं तो इसके डबल बॉन्ड इक्वलेंट कितने आ गए सेवन इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम उसके डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ये स्ट्रक्चर है अब इसमें देखो इसमें देर इज़ नो रिंग इज प्रेजेंट बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं ट्रिपल बॉन्ड मतलब दो पाई बॉन्ड टू टू फोर सिक्स सेवन एट तो इसके डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स कितने आएंगे एट सो so, इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल अब इस कंपाउंड का डी यू कितना आएगा दो रिंग्स प्रेजेंट हैं दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो इस कंपाउंड का डी यू हो गया फोर सो so, ये तो एग्जाम्पल हो गई वेन स्ट्रक्चर इज गिवन न नेक्स्ट आ जाता है कई बार हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया होता बट हमें मोलिकुलर फार्मूला दिया होता है कि ओवरऑल कंपाउंड का ये फार्मूला है तो उसके डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं उसका क्या फार्मूला है सो so, फर्स्ट हमने डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स कैलकुलेट किए कि इफ स्ट्रक्चर इज गिवन नाउ सेकेंड डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स इफ मॉलिकुलर फार्मूला इज गिवन

माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टू ये एक फॉर्मूला होता है डबल बॉन्ड इक्ट का वेयर सी इज द सी क्या चीज है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं एच क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एक्स क्या है नंबर ऑफ हेलोजन ऐटम्स एंड क्या है नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऐटम्स सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स विद मॉलिकुलर फॉर्मुला सी सिक्स एच सिक्स नाउ हाउ मैनी कार्बन आइटम्स आर देयर सिक्स सो सिक्स प्लस वन माइनस हाओ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर सिक्स नो हैलोजन ज़ीरो नो नाइट्रोजन जीरो सो सेवन माइनस थ्री सो डबल बॉन्ड इक्वलेंट या डिग्री ऑफ अन सेचुरेशन इस कंपाउंड का कितना आ गया फोर आ गया और एग्जाम्पल लेते हैं सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स मान लो ये कंपाउंड है इसका हमने डिग्री ऑफ अन सेचुरेशन फाइंड करना है या डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स इसका फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टू सो हाउ मैनी कार्बन आइटम्स आर देयर सिक्स सिक्स प्लस वन माइनस सिक्स हेलोजन सिक्स क्लोरिन है माइनस जीरो पॉइंट टू नाओ सेवन ये आपका आ गया ट्वेल्व बाई टू सो दिस इज du यू विल बी वन सो अब देखो हेलोजन प्रेजेंट है तो ये चीज़ आ गई आपकी सो so इस तरीके से हम डबल बॉन्ड इक्ुलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं आइदर फ्रॉम फ्राम मोलिक्लोफॉर्मला और फ्रॉम स्ट्रक्चर्स दोनों तरीके से डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं एंड विद हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स विल बी देयर वी कैन गेट एन आइडिया वन मोर एग्जाम्पल सी सिक्स एच फोर सी एल एन नो टू सपोज कि ये हमारे पास मॉलिकुलर uh, फॉर्मला है इसका हमने डी यू निकालना है सो so, कार्बन कितने हैं सिक्स सिक्स प्लस वन माइनस फोर प्लस वन हेलोजन वन नाइट्रोजन कितने हैं वन है अपॉन टू सो ये आपका आ गया सेवन ये आपका आ गया फाइव सो so, इसके डबल बॉन्ड इक्वलेंट्स कितने हैं फाइव हैं सो so, इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के या तो उसका मोलिकुलो फॉर्मुला दिया होगा उससे डी निकाल सकते हैं या उसका स्ट्रक्चर दिया होगा अब इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि डबल बॉन्ड इक्ल निकालने से हमें कैसे क्वेश्चन में बेनिफिट मिल सकता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखते हैं पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन इज write all possible write all possible cyclic structures all possible cyclic structures with molecular formula हमें सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं बट कौन से होने चाहिए साइक्लिक होना चाहिए उसने मेंशन कर दिया विद मॉलिकुल फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व दिस इज द क्वेश्चन नौ कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसका कोई ऐसा फ़ॉर्मूला तो है नहीं कि कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे हमें करके देखना पड़ेगा बट उसका क्या आइडिया हो सकता है हम वो देख सकते हैं तो सॉल्व करने से पहले हम इसका पहले डी यू निकाल लेते हैं तो डी यू कैसे निकलेगा अब इसमें स्ट्रक्चर तो है नहीं वो तो राधे हमें बनाने हैं सो मॉलिकुलर फॉर्मुला इज देअर्थ सो वी कैन कैलकुलेट डी यू बाई अप्लाइंग द फॉर्मूला ना हाउ मैनी कार्बन आइटम्स आर दे सिक्स सिक्स प्लस वन हाइड्रोजन आर ट्वेल्व नो हेलोजन नो नाइट्रोजन सो डबल बॉन्ड इक्वलेंट वन आ गया सो वन डबल बॉन्ड इक्वलेंट हमें पता है कि डबल बॉन्ड इक्वलेंट वन आने से दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या तो कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा या कंपाउंड में एक रिंग होगी बट पाई बॉन्ड हम नहीं रखेंगे क्यों क्योंकि ऑलरेडी हम उसने क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि इट का स्ट्रक्चर मस्ट भी साइक्लिक साइक्लिक का मतलब क्या है कि उसमें एक रिंग मिनिमम होना चाहिए तो एक डी यू आने का मतलब है कि एक रिंग ही होगा इसका मतलब हम कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं बना सकते सो so, इसमें हमें ये हिंट देखो मिल गया नो डबल बॉन्ड इनसाइड और आउटसाइड द रिंग ये हिंट हमें कैसे मिला क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड इक्वलेंट आई कितना रहा था वन आ रहा था वो वन नेचुरली एक रिंग के कारण ऑलरेडी जाता है उसने स्ट्रक्चर्स में साइक्लिक बोला ही हुआ है तो हम उसे ही वन यूज हो गया तो पाई बॉन्ड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती तो हमें हिंट मिल गया कि नो डबल बॉन्ड इज देयर आधर इनसाइड और आउटसाइड द रिंग कोई स्ट्रक्चर में हमें डबल बॉन्ड नहीं बनाना साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाने या फॉर्मूला मस्ट बी सी सिक्स ना अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है सो सी सिक्स एच से सबसे पहले तो स्ट्रक्चर सिंपली साइक्लो ही बनता है सो so, स्ट्रक्चर्स पहला हम बनाने की ट्राई करते हैं साथ में इनके नाम लिखते जाएंगे साइक्लोहेगजेन सो so, इनको नंबर भी देते जाएंगे एंड में हम इनका आइसोमैरिक रिलेशनशिप भी बता सकते हैं देखते हैं साइक्लो हेक्जेन बन गया और क्या पॉसिबिलिटी है रिंग फाइव की कर देते हैं एक कार्बन जो बचेगा उसका सब्सिटेंट बना देते हैं अगले का नाम क्या बन गया मिथाइल साइक्लो पेंटेन फाइव वाली और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं फोर वाली बन जाती है फ़ोर की आप पेरेंट चेन बना लो दो के सब्सिटेंट बना लो सो ये आपका बन जाएगा वन वन डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है तो रिंग तो डेफिनेटली बननी बननी है एक रिंग जरूर होएगी डी यू भी हमारा वन आ रहा है तो वन रिंग इज प्रेजेंट और देखो क्या पॉसिबिलिटी है ऐसे कर सकते हैं सब्सिच्वेंट की पोजीशन बदल दी मैंने वन टू डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन वन टू हो गया अब वन थ्री पे देखो जाते हैं ये सब जा रहे हैं वन थ्री डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन और देखो और कुछ बनता है ये रख के और दो बचे दो की इकट्ठे हम सब्सिटेंट बना देते हैं इकट्ठा ये बन सकता है अब तो हम वन वन वाले बना रहे थे ना अब ये दो वाला इथाइल आ गया सो so ये बन गया इथाइल साइक्लोब्यूटेन क्या स्ट्रक्चर बन गया इथाइल साइक्लोब्यूटेन एक रिंग तो आनी ही आनी है हर एक में आ ही रही है और दिमाग लगाते हैं इसको तीन वाला बना के देखते हैं कि तीन वाली कर दी रिंग हमने और एक एक का इसका सबसेचेंट हो गया तो ये क्या बन गया वन टू थ्री ट्राई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन ये भी बन रहा है और देखो क्या पॉसिबिलिटी बनती है और कोई स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है एट अब ये जो हमने अलग अलग सब्सिचेंट्स बनाए हैं वन टू थ्री ट्राई मिथाइल करके इनको एक पोजिशन इसकी ऐसे रख के देखते हैं कि अब ये बन रहा है तो अभी ये क्या बन जाएगा इसका नाम क्या होगा नाम लिखो इसका ये वन हो गया और ये हो गया टू सो so ये बन गया वन वन टू ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन सो so, ये एट स्ट्रक्चर्स हो गए तो और देखो इसके स्ट्रक्चर्स और कुछ पॉसिबिलिटीज है और इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है और लेट्स सी सिक्स बनाने थे कार्बन तीन तो इसमें बना लिए चार पाँच और एक छः ये बन गया आपके पास ये हो गया वन ये टू ये थ्री वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लोप्रोपेन अब देखो ये चीज़ थी वन टू थ्री यहाँ पे भी नंबरिंग लिख लेते हैं वन टू थ्री और उसके बाद हमने किया वन वन टू इसमें मिथाइल का तो और कुछ बनता नहीं फिर हमने उसको इथाइल बना लिया अब ये देखो इसको एक ही पे रख के भी बन सकता है ये तो इसका क्या नाम आ जाएगा वन इथाइल वन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप नाम लिख के देखोगे तो नेम्स डिफरेंट आने चाहिए नेम्स डिफरेंट आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं इससे ही कन्फ्यूजन दूर की जा सकती है कई बार स्ट्रक्चर रिपीट हो जाते हैं तो वो अवॉइड करने के लिए और क्या कर सकते हो तीन की चेन रख ली तीन की पेरेंट बना ली तीन की ही अब चेन बना दो बाहर इकट्ठा सब्सिचेंट प्रोपाइल बना दो तो ये क्या बन जाएगा प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन एक और पॉसिबिलिटी भी बन जाती है और पॉसिबिलिटी ये बन रही है जो चेन है वो आप बना दो आइसोप्रोपाइल की ये ये आपका बन जाएगा आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो यू पी एक नंबरिंग भी आप कर सकते हो ये वन ये टू तो नाम क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्सिजेंट बन रहा है ये वन मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन तो ये टोटल ट्वेल्व स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं इनका कोई मेथड मैथड सच नहीं है हिट एंड ट्रायल या बना के ही देखना पड़ेगा बस डीबी निकालने से हमें ये आइडिया पता चल गया कि कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि हमारा डी बी वन आ रहा था तो एक रिंग प्रेजेंट होगी कंपाउंड में तो हमने एक रिंग कर करके कर रिंग का साइज और सब्सिजेंट का साइज चेंज कर कर करके स्ट्रक्चर्स बना लिए सो so, हमने ये देख लिया कि डीबी निकालने से हमें कैसे थोड़ा आइडिया लग जाता है स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन में अब आप ये खुद ट्राई करना कि ये ट्वेल्व स्ट्रक्चर्स हैं अब इनका आपस में आप आइसोमेरिक रिलेशन जैसे हमें कोई पूछ ले वन और टू कैसे आइसोमर्स हैं तो ये चेन आइसोमर्स होंगे क्योंकि पेरेंट चेन डिफरेंट है टू और थ्री भी चेन आइसोमर्स हैं थ्री और फोर पोजीशन आइसोमर्स हैं सो आप ये, ये ट्राई करके देखना रैंडमली भी कर सकते हो और ये ऐसे भी रिलेशन वन एंड टू टू एंड थ्री थ्री एंड फोर सो ये नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने जो स्ट्रक्चर्स किए थे उनके आपस में क्या क्या रिलेशंस बैठते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग